हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो आज का जो व्लॉग नंबर है मुझे सच में नहीं पता है, आई एम सॉरी, लेकिन एक दो दिन में मैं फिर से थोड़ी सी एक्टिवेट हो जाऊंगी। आज पूरा ट्रैवल किया हम लोगों ने और अभी घर पे पहुंचे थे, और मैंने आते सबसे पहले हेयर वॉश कराए, शावर लिया और मैं सो गई। और अभी जस्ट मैं सोकर उठी हूँ, मैं दोबारा भी सो गई थी। और हमारे वूफी जी ने भी आज सैलून जाकर अपना पूरा मेकओवर कराया है, अपनी सुंदर सी आउटफिट लेकर आया है। वो फिर दिखा दो, वो फो नहीं दिखा रहा है। और आज मुझे मिलने वाला है एक गिफ्ट, वो गिफ्ट में भी आप लोगों को पहले से पता है कि मेरे लिए भी एक कड़ा हम लोगों ने बनवाना था, लेकिन वो साइज में बहुत बिग हो गया था, तो उसको दोबारा से उन्होंने बनवाया है। और अब मुझे पता नहीं वो साइज का बना है या नहीं, पर उन्होंने ये बोला है कि मैम इस बार आप खुश हो जाओगे। जो कार्टियर का कड़ा होता है ना, मैंने उस मतलब सेम कार्टियर का कड़ा लेकिन मोटे उसमें बनवाया डिज़ाइन में, थोड़ा मतलब हैवी लुक में, तो उसको हम शाम को लेने जाएंगे। और अभी वूफी अपना खाना फिनिश कर ले, उसके बाद साहिल और मैं लंच करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। आज बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं है, क्योंकि मेरा मन ना वहीं जाने का कर रहा है जहाँ से मैं वापस आई हूँ। और मैं उन भैया को बोल कर आई हूँ कि अगर दिल्ली में लॉकडाउन हो जाता है तो हम आपके पास आ जाएंगे 1 मंथ के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं यार। वहाँ का ना हर चीज़ बहुत अच्छी थी, वहाँ का खाना, वहाँ का मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और इतना टेस्टी खाना वहाँ पे हम लोगों को मिलता था। जिस दिन लास्ट डे था हमारा, तो हमें स्पेशली भैया ने मेथी पराठा, उपमा, लेकिन वो उपमा नहीं लग रहा था साहिल, बहुत टेस्टी था। साहिल का ट्यूसडे का फास्ट था तो ये खा नहीं पाए, तो बस अभी जस्ट थोड़ा और रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप सबसे बात करती हूँ। वो भी तो गोल्ड लेने आया है, पियर्सिंग करवा रहा हूं इसके लिए। इसको चेन चाहिए आंटी, इसको कोई मोटी सी चेन दिखा दो। वो भी चल मैं तेरे को पार्टी दूंगी, मेरे को गिफ्ट मिला है ना, मैं तेरे को पार्टी दूंगी। वो भी हमें कुछ खिलाओ साहिल, आओ फूफू, मैं तेरे को पार्टी दूंगी। सो गाइज, दिल्ली आते ही मुझे मिला मेरा गिफ्ट जो मुझे इतने टाइम से चाहिए था, और सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी क्योंकि आवाज तो आ ही रही होगी आपको। एक सेकेंड दो, सीट बेल्ट ना इतनी मोटी जैकेटें पहन के लगाते हैं ना, तो बहुत दम घुटता है, सांस नहीं आता। और मुझे आप सबको ये बताना था कि जिस टनल में मैं और काजल ना फंस गए थे, वहां पर हम लोगों को बिल्कुल सांस नहीं आया था। पहली बार ऐसा लगा था कि हम मर जाएंगे, वो तो रोने लग गई थी, मैं उतर के चलने लग गई थी। 3.5 किलोमीटर की टनल थी वो, मुझे नहीं पता कि क्या मतलब, ऐसा हो गया था कि एक टाइम पे लाइट भी बंद हो गई थी वहां पे, तो फिर हालत खराब, पता नहीं क्या हुआ था, ऐसे होना तो नहीं चाहिए था। फिर हम लोगों को बड़ा डर लग रहा था कि दोबारा से टनल से ही जाना है, हम लोग बाहर आ गए थे टनल में ना, और फिर साहिल भी ऐसे डर गए थे। यहाँ आकर मन ही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, मेरा वहीं जाने का मन है। वहाँ पे इतनी अच्छी सी लाइफ हो गई थी, सुबह जल्दी उठना, ऐसे अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता था, स्नोफॉल होती थी, मतलब वो लाइफ बहुत अच्छी थी। पर क्या कर सकते हैं, दिल्ली तो आना ही था। और अभी नेक्स्ट ट्रिप का मैं प्लान कर रही हूँ, लेकिन मैं ये वाली ट्रिप भी कुछ 2-3 दिन की नहीं करना चाहती, ये भी हमारी 7-8 डेज की हो गई थी, तो मुझे वो है कि 1 वीक का तो कोई ट्रिप प्लान होना चाहिए। साहिल को जैसलमेर जाना है, बट मैं सोच रही हूँ कि कोई इंटरनेशनल ट्रिप कर लेते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया यार इतनी प्लानिंग करते करते वूफी की वजह से रह जाते हैं, लेकिन इस बार मैं पूरी पक्की प्लानिंग करके जाऊंगी ताकि मैं वूफी को भी साथ ले जा पाऊँ। दुबई में तो वूफी की एंट्री नहीं थी, इसलिए हमारा दुबई का कैंसिल हुआ। फिर हम लोगों का पेरिस का प्लान बना था, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वूफी की वजह से। अभी मैंने ग्रीस का सोचा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे यार वर्ल्ड टूर करना है, तो मेरी 9 कंट्रीज मैं और साहिल घूम चुके हैं, तो अभी 10th कंट्री हमें चूज करनी थी, और ये वूफी के साथ होगी। सजेस्ट करो यार वूफी को कैसे ले जा सकते हैं इजीली ना, मेरे को बहुत ऐसे इसकी वजह से अभी प्रॉब्लम हो रही है। और हम वूफी के लिए केयरटेकर ढूंढ रहे हैं, तो अगर किसी को भी पता है जहाँ पे बहुत ऐसे थोड़े ट्रस्टवर्दी और अच्छे से इसके लिए कोई केयरटेकर मिल जाए तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो ओ, चलो
गाइस दिल्ली आते ही मुझे मिला सरप्राइज। जिस सरप्राइज की मैं बात कर रही थी वो तो आपने देख ही लिया, लेकिन एक और सरप्राइज था। तो मैं घर आती ही थोड़ी पागल हो गई और मैंने बीच का व्लॉग करना भूल गई, तो मैं सीधा रेडी होकर आपके साथ आ गई। और मेरी आउटफिट ऑफ द डे है ये, और सरप्राइज जो है वो है ये। मतलब साहिल ने इतना सुंदर सा यहाँ पे ये सब मंगवाया और मैं तो ऐसे हो गई कि व्लॉग बनाऊं तैयार हूँ क्या करूँ। तो मैंने सोचा पहले तैयार हो जाती हूँ उसके बाद फिर आप लोगों को ये सरप्राइज दिखाती हूँ। और सबसे ब्यूटीफुल चीज पता है क्या, मैं आपको दिखाती हूँ। आई लव यू, आई लव यू टू साहिल। मतलब इतना ज्यादा, क्या बात कर रही हो, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल ये सरप्राइज है आपका। जो रियल, ये रियल रेड रोजेस है यार, मैं तो काउंट करते हुए भी थक जाऊंगी। सबसे ब्यूटीफुल मुझे यही लगा है। और ये चॉकलेट्स है, और यहाँ पे बलून है, और वहां पे मेरा और साहिल का फोटो है, और यहाँ पे लव लिखा हुआ है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ब्यूटीफुल सा केक। ओ वाओ, इसके अंदर भी रियल रोजेस हैं। बहुत बहुत उमदा काम किया साहिल आपने। ये फोटो मैं संभाल के रखूंगी। और ये बॉक्स भी पता है आपको, इस बॉक्स का मैं क्या करती हूँ बताओ? बताओ जल्दी, बॉक्स बना देते हैं उसको। यार इतना अच्छा ये होता है ना। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना सरप्राइज। साहिल आप खुद अपने हाथों से मुझे सरप्राइज दीजिए। ये लीजिए, आप बैठ जाइए साहिल यहाँ। बिल्कुल बैठ जाएंगे, ये लीजिए बैठ गए। सो गाइस अब इसका हम चेक करेंगे साइज। ये मेरा कड़ा जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, और ये मुझे बहुत पहले मिल गया था, लेकिन ये बड़ा था और मैंने पहन भी लिया था एक दिन के लिए, जिसमें हम उस एंगेजमेंट में गए थे। तो मैं इसको पहन कर गई थी, लेकिन वापस करना पड़ा मुझे, आती ये ऐसे निकल गया था। तो परफेक्ट, परफेक्ट। इसको मैं ऐसी वॉच के साथ पहनना चाहती थी, और हो गया यार, मेरे को दिल खुश हो गया मेरा। ऐसे ये मैं हमेशा से ऐसे पहनना चाहती हूँ। हैप्पी, बहुत हैप्पी। वॉच के आगे पहनो, वॉच के पीछे, पीछे ही पहनते हैं वैसे तो। अच्छा लग रहा है ना? हाँ जी, आज जिन्होंने मेरी हेल्प की इतना ही सरप्राइज में, वो सब चीजें डिटेल है ना, आप इंस्टाग्राम पे डाल देना। हाँ, वो आप इंस्टाग्राम पे देख लेना, क्योंकि वैलेंटाइन्स डे आने वाला है, तो सब अपने प्रियतम प्यारों को कुछ ना कुछ देंगे। प्रियतम प्यारों को तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं लोगों से मंगा लेना। इतनी ब्यूटीफुल चीजें ये देते हैं, और इस पे लिखा हुआ है किसेस। बट साहिल ये सरप्राइज तो बहुत 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 अच्छा था। और ये मेरा प्यारा सा लव। तो गाइस ऐसे सरप्राइजेस मुझे देते रहा करो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम अब केक कट करेंगे और खाएंगे। उससे पहले मैं थोड़ी सी फोटोज क्लिक कर लेती हूँ, रील्स बना लेती हूँ, क्योंकि केक कट हो गया तो मैं खा नहीं पाऊंगी, मतलब रील्स नहीं बना पाऊंगी ना। ओके, सो गाइस आप सबको भी मेरा ये सरप्राइज कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। और इससे ज्यादा अच्छा सच बताऊं, चलो गोल्ड गोल्ड की चीजें तो मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली गोल्ड ना, लेकिन ये जो सरप्राइज दिया है ना, ये बहुत अच्छा लगा है साहिल, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको नहीं, मेरे को रिटर्न में चाहिए, थैंक यू। आपको नहीं, थैंक यू सो मच शिल्पा को, बैठकर ये सरप्राइज देखा। ठीक है, ठीक है। तो बहुत 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 सुंदर है। जो है वो अभी तक ऐसा ही है, क्योंकि मैं अपनी पिक्चर्स और वीडियोस कुछ ज़्यादा ही बनाने लग गई थी। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं वहीं देखने को मिलेंगी। तो ये मेरा और ये साहिल का इंस्टाग्राम, और ये वूफी का, इसको भी फॉलो कर लेना। तो केक काट लेती हूँ, उसके बाद फिर आ गया मैं अपनी जगह पे ना, बिल्कुल। सेलिब्रेशन तो बनता है यार, साहिल ना रेडी नहीं होते और मुझे रेडी करा देते हैं। इनको बोला करो कमेंट में कि भैया हमें आपको भी देखना है, तो रेडी हुआ करो। ना भी रेडी हो बोलते इन कपड़ों में मुझे मत लेना। तो हम यहाँ से खाने वाले हैं। क्या बात है, सुना आराम से खाओ ना, क्या दिक्कत है, स्लो खाओ। नहीं नहीं मेरे को नहीं खाना। अरे अरे नहीं, अरे नहीं, अरे दे दो दे दो दे दो, थैंक यू। अब हम खाते रहेंगे, और
खाते रहेंगे। तो आज का जो व्लॉग था कुछ ऐसा ही था कि मुझे गिफ्ट भी मिल गया, सरप्राइज भी मिल गया और मैंने अच्छा सा सेलिब्रेशन भी कर लिया। तो नेक्स्ट ट्रिप की जो प्लानिंग है वो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद करेंगे। तो अगर आपको ये आज का थैंक यू काजल, ये अभी गाइज अपनी एक प्रमोशन वीडियो बना रही है जिसमें इसको हेयर पे कुछ लगाकर दिखाना है, तो वो आपको इसी के व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं कैसी लग रही थी ये भी आप कमेंट करके बता देना। तो मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।